बहुत सारे यंग एडवोकेट्स को नॉलेज नहीं होती कि चैम्बर्स कैसे अलॉट किए जाते हैं, तो आइए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर आपको लॉयर्स चैम्बर अलॉटमेंट रूल्स के बारे में दिख रहा होगा। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं, बट पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स। अलॉटमेंट एंड ऑक्यूपेंसी रूल्स के तहत ये सारे रूल्स लेट डाउन किए गए हैं। ये अलॉटमेंट ऑफ चैम्बर्स कमेटी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉट करेंगी, एंड सच अलॉटमेंट शैल बी मेड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको अलॉट होगा, पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, फिर नॉन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, फिर सीनियर एडवोकेट्स। आपको 4,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरीके के जो फिक्स चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे। आपका कैबिन का स्क्वायर मीटर, आपके सारे रूल्स रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं वो सारे लेट डाउन किए गए हैं। आपको मंथली चार्जेस, लाइसेंस फीस क्या पे करनी पड़ेगी वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के लिखे गए हैं। कैंसिलेशन भी कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉटिंग, और फेलिंग टू पे अगर आप लाइसेंस फी या कोई फ़ी पे नहीं करते, मिसबिहेव करते हो, तो आपका चैम्बर टर्मिनेट भी किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इस तरीके से आप बाकी रूल्स रेगुलेशन पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।